राजू, ए खड़ा हो जाओ रे। ये बताओ कि तुम्हारे बगल में जो मनोजवा बैठा हुआ है वो क्या है, पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग? ये सर, ये तो 100% पुल्लिंग है सर, हम तो इसका नुन्नी भी देखे हुए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, ज्यादा बकैती न झाड़ो। ये बताओ कि पंखा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? सर, पंखा अगर बजाज का है तो पुल्लिंग है, और अगर उषा का है तो स्त्रीलिंग हुआ ना सर। वारे होशियार हैं? ये बताओ कि बहुवचन किसे कहते हैं? सर, जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है तो उसे बहुवचन कहते हैं सर। वाह बेटा, बहुत आगे जाएगा है। चल ये बता, खुशी का ठिकाना न रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? सर, खुशी नाम की लड़की रोज अपने बॉयफ्रेंड से छिपकर मिलती थी सर। एक दिन उसके पप्पा ने उसको पकड़ लिया सर, और उसकी खूब सुताई की। इतना ही नहीं, उसके पप्पा ने उसको घर से भी निकाल दिया सर, और अब वो बेचारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसका यही मतलब है सर। वाह वाह निनी वाह, क्या खूब अर्थ बताया है, वाह। देख लीजिए सर, टैलेंट तो खूब भरा हुआ है हमारे अंदर सर, पर कभी घमंड नहीं न किए सर। हाँ वो तो दिख ही रहा है। चलो ये बताओ कि दीपक क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है? सर, समझ में नहीं आया सर, थोड़ा समझाइए ना। दीपक हमें रोशनी देता है, दीपक हमें उजाला देता है, दीपक हमें ज्योति भी देता है। इन वाक्यों में दीपक क्या है? इन वाक्यों से प्रतीत होता है कि दीपक एक दल्ला है जो लड़कियों की सप्लाई करता है।